कर दिया, पुलिस एक गाड़ी नहीं चलने देता है, करीब सौ मनमानी पैसा ले लेके वो गाड़ी सवार रहा है, पैसा ले रहा है, एमबीए करवाता है अपने खुल के, नहीं कोई जाता है, नहीं रोड पे जाता है, उसका चमचा जाता है, सब एजेंट सब बना हुआ है, सब जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज प्रतिदिन, मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि 14 वाहन चालकों और वाहन मालिकों का क्या कहना है, आइए हम सीधे बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि इन लोग का क्या कहना है इस फैसले लोग का है। 14 चक्का वाहन जो 14 चक्का वाहन हम लोग गिट्टी या बालू को जो लोडिंग कर रहे थे, वो रजिस्ट्रेशन के समय गवर्नमेंट अगर कहती कि आप मतलब गिट्टी बालू नहीं लोड कीजिए, उस समय हम लोग नहीं करते। उसके बाद अभी एकाएक बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि मतलब कि आप गिट्टी बालू ने ला दिए, 12 चक्का 10 चक्का जो बोलो हाफ बॉडी करने के लिए 3.5 फीट बोल रही है कि 3.5 फीट मतलब कि से लोडिंग करने के लिए, 14 चक्का का कोई समुचित व्यवस्था किया जाए। रजिस्ट्रेशन के समय जो था हम लोग को बोला जाए करेंगे, वही गवर्नमेंट सोचेंगे कैसे करेंगे। हम लोग 1 लाख रुपया मंथली देते हैं किस्ती, हम लोग किस्ती नहीं दे पाएंगे, उसके बावजूद मतलब कि से गिट्टी बालू नहीं डालेंगे, बिहार में है क्या, क्या है बिहार? अच्छा, ये जो अचानक बंद किया गया है तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब आप लोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ेगा होगा कि किस्ती नहीं दे पाएंगे हम लोग, आर्थिक तंगी होगा है, लेबर गाड़ी मालिक या मंडी में बहुत बदलाव होगा। ये सब स्टाफ है, ये सब आप लोग का कैसे जीवन यापन होता था पहले? कैसे हुआ पहले तो सही चलता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है। सही से हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, मालिक जब खुद नहीं रहता है तो हम लोग क्या करें। अच्छा, ये वाहन बंद होने से आप लोग पर असर पड़ा है पूरा? बहुत प्रेशर पड़ा सर, पहले कमा लेते थे महीना में 10,000-8,000 रामपुर हाट से जा चुकी तीन तो जगह भी माफिया है, सब जगह पुलिस एक सौ प्रत्येक थाना 200-100-500 लेता है। अच्छा ठीक, उसके बावजूद मतलब किस एंट्री माफिया है, प्रत्येक जिला हम लोग एंट्री करा गाड़ी मंगवाते हैं, 2,000 रुपया जिला लेता है, जो बोलिए कौन लेते हैं ये सब पैसा? एंट्री माफिया कौन है ये? कौन है, नाम नहीं लेंगे मगर सरकारी अधिकारी है या प्राइवेट अधिकारी है? सरकारी अधिकारी थ्रू होता है सब, सरकार के द्वारा, ये सरकार करवा रही है, वो MBI DTO सब करते हैं। अच्छा, नहीं देने पर, ये रकम नहीं देने पर क्या होता है? पकड़ा जाएगा देखा, एक लाख फाइन दिए, इधर रोक फाइन दिए। कौन पकड़ता है गाड़ी? माइनिंग पकड़ता है, DTO पकड़ता है। अच्छा, सब पकड़ता है गाड़ी। 24 तारीख से धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। अच्छा, 24 तारीख से बिहार एसोसिएशन ट्रक एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष, हाँ, उनके थ्रू आह्वान किया गया है कि हम लोग 24 तारीख से धरना प्रदर्शन पे जाएंगे। 14 चक्का जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन होता है, परमिट मिलता है, उस समय बोलना चाहिए कि मतलब कि आप लोग माल ढोइए, हाँ, या 3 फीट डला बनाइए, उस समय फिक्स करना चाहिए। चलो, ये गाड़ी जब बन गया उसके बावजूद उसके बाद मतलब बोलते हैं कि गिट्टी नहीं लाना, बिहार में है कौन चीज? उसमें सिर्फ बिहार सरकार कर रहा है, गिट्टी बालू छोड़ क्या है, सिर्फ बिहार सरकार कर रहा है। इससे कितना आर्थिक स्थिति पर पड़ गया, कितना बेरोजगारी खत्म हो गया है, उससे कितना गाड़ी जीता था, कितना आदमी जीता था, और बिहार में है क्या गाड़ी से 500 परिवार उसका चलता है, अब सोचिए क्या होगा अभी। अच्छा, इस सब पर क्या मतलब आपको क्या लगता है, इन लोग का अब क्या होगा, क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा, बेरोजगार होगा ये सब लोग, फिर प्रदेश जाएगा, प्रदेश में क्या होगा, क्या देखा जाएगा सब। बिल्कुल समय देना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, एक कानून बना के बंद कर दिया, पुलिस एक गाड़ी नहीं चलने देता है, जो गाड़ी लोड खड़ा है सब गाड़ी सो मनमानी पैसा ले लेके वो गाड़ी सवार रहा है। कौन पैसा ले रहा है? कौन पैसा ले रहा है? ले रहा है MBA, MBA करवाता है अपने खुल के, नहीं कोई जाता है, माइनिंग लेता है, खुल के अपने नए रोड पे जाता है, उसका चमचा जाता है, सब एजेंट सब बना हुआ है, सब जाता है। पैसा नहीं देने पर, पैसा नहीं देने पर पकड़ा देता है, वही जो चमचा उसका है प्राइवेट से जो है, हाँ फलना गाड़ी जा रहा है, बिना एंट्री का है, बिना ऐसे है, उसको गाड़ी धर लिया जाता है, फाइन करता है, पैसा लेते हैं उनका, गाड़ी जाता है, उसी दिन निकलते रहता है। अगर हम लोग 24 तारीख को ना जिला स्तर पे पूरे बिहार में जिला स्तर पे हम लोग धरना पे जाएंगे, और उसके बाद
प्रदेश स्तर पर भी हम लोग का जो है ना धरना प्रदर्शन होगा।